नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों का सड़क पर चलना भी दुश्वार हो गया है। जिला अस्पताल में कुत्तों के हमले से घायल मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन अस्पताल में लगाए जाने वाले इंजेक्शनों का अभाव है। कुत्तों के आतंक से डरे हुए लोग नगर निगम में कई मर्तबा शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता लोगों की मुसीबतों को बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों ने लोगों का घर से निकलना तक दुश्वार कर दिया है। आवारा कुत्ते जब चाहे जिसे चाहे अपना शिकार बना लेते हैं, जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं होता। जिला अस्पताल में कुत्तों के हमले से घायल लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन अस्पताल में कुत्ते के काटने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शनों का अभाव है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम इस समस्या से अनजान है, वहीं नगर निगम का अमला आवारा कुत्तों को पकड़ने में लगातार नाकाम साबित हो रहा है। आवारा कुत्ते बहुत हैं, जगह जगह इनका आतंक है और कई लोगों को ये काट चुके हैं। हमारी कॉलोनी में दो तीन लोगों को काट चुके हैं, तब भी नगर निगम ने इन पर ध्यान नहीं दिया। महीने में हमारे पास करीब 500 केस आ जाते हैं। अधिकांश बाइट तो जो सड़क पर जो आवारा कुत्ते हैं उनके द्वारा होती है, लेकिन कुछ पालतू कुत्तों के भी केसेज आते हैं, लेकिन अधिकांश आवारा कुत्तों की बाइट ही आती है। अगर मल्टीपल बाइट है, कई जगह काट लिया है कुत्ते ने, तो वो गंभीर उसमें आ जाता है। वो कैटेगरीज होती हैं WHO की तरफ से, इसमें तो कैटेगरी 1, 2, 3 के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। आवारा कुत्तों के काटने से इस साल 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महीने में ही 100 लोगों के ऊपर हमला कर आवारा कुत्ते उन्हें घायल कर चुके हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।